गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आज हम बिना किसी देरी के बात शुरू करेंगे कि मेगा अल्टारिया के रेट काउंटर्स क्या होंगे। तो आज मेगा अल्टारिया रिलीज हो जाएगी आपके लोकल टाइम के हिसाब से शाम 5 बजे कम्युनिटी डे के ख़त्म होते ही। तो अगर आपके पास कोई मेगा रेट्स हैं आसपास तो हो सकता है जो पॉसिबली पर हैच नहीं हुई या बाद में हैच होंगी तो उसमें मेगा अल्टारिया निकलेगी पक्का। तो कह सकते हैं कि आप उसके अगले दिन ज़्यादा बढ़िया रेट खेल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला काउंटर होगा शैडो मेटाग्रॉस। तो यहाँ पे मैं सारे पोकेमॉन दिखा रहा हूँ, शैडो पोकेमॉन, लेजेंडरी पोकेमॉन और मेगा पोकेमॉन। तो सबके हिसाब से होगा फिलहाल शैडो मेटाग्रॉस सबसे बढ़िया पोकेमॉन। तो शैडो मेटाग्रॉस अब अभी गेट कर सकते हैं शैडो बेल्डम के जरिए। तो आप एक बढ़िया आईवी का शैडो बेल्डम गेट कर लीजिए, उसको इवॉल्व कर लीजिए। कैंडीज तो आपके पास होंगी क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले आया था इंसेंस डे मेटाग्रॉस का। ओके, तो कुछ दिनों बाद अब अभी आप कर भी सकते हैं, कुछ दिनों बाद फ्रस्ट्रेशन हटा सकते हैं। तो आप मीटियोर मैच से फ्लैश कैनन, अगर आपका मीटियोर मैच नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैश कैनन। फ्लैश कैनन भी काफ़ी बढ़िया मूव हो सकता है। फिर आता है मेगा गेंगार, फिर आता है नॉर्मल मेटाग्रॉस और आती है मेगा बीड्रिल। तो या को ये याद रखना है कि मेगा गेंगार के पास होगा लिक और स्लज बॉम्ब। लिक एक लेगेसी मूव है, तो लिक की जगह मैं आपको रिकमेंड करूँगा शेडो ग्लो, क्योंकि उसका जो और दूसरा मूव है जो घोस्ट टाइप मूव्स के अलावा जो उसका फास्ट मूव वो है एक डार्क टाइप फास्ट मूव है, नाम मुझे ढंग से याद नहीं, सकर पंच है इसका, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर आता है नॉर्मल मेटाग्रॉस, बुलेट पंच, मीटियोर मैश, मीटियोर मैश नहीं है तो फ्लैश कैनन, मेगा बीड्रिल, पॉइजन जैप, स्लज बॉम्ब, शैडो मेमोसाइन। ड्रैगन डाक की काउंटर की वजह से शैडो मेमोसाइन बहुत बढ़िया काउंटर होगा, मेरे पास है आपके पास भी होगा। शैडो गार्डिवॉर है चार्म और डेजलिंग ग्लीम के हिसाब से, शैडो म्यूटू, साइको कट और आइस बीम के हिसाब से, मेगा बामास्नो, पाउडर स्नो और वेदर बॉल। तो मैं सबसे बढ़िया मेगा पोकेमॉन आपको रिकमेंड में करूँगा यूज़ करने को जो थोड़ा सा आप अच्छे रख सकें, मेगा बीड्रिल में रिकमेंड करूँगा क्योंकि एनर्जी कम लेता है मेगा इवॉल्व होने के लिए और ये थोड़ा सा इसका वेदर बूस्ट आपको मिल जाएगा और इसका फास्ट मूव और चार्ज मूव दोनों पॉइजन टाइप भी हैं। मेगा गेंगार का खाली एक ही है जो पॉइजन टाइप है चार्ज मूव। तो उसके बाद आता है डियाल्गा, मेटल क्लॉ और आयरन हेड और मेमोस्वाइन, पाउडर स्नो और एवलांच के साथ। तो मैं बिना किसी देरी का मेगा अल्टारिया की जो टाइपिंग है वो ड्रैगन और फ्लाइंग नहीं है, वो फेरी फ्लाइंग भी नहीं है, वो है ड्रैगन और फ्लाइंग, सॉरी आई एम सॉरी वेरी सॉरी, ड्रैगन एंड फेरी, वो ड्रैगन और फी टाइप पोकेमॉन है इसलिए वो अब ड्रैगन से वीक नहीं होगी। तो फेरी की वीकनेस क्या होती है, स्टील और पॉइजन, वो दोनों उसकी वीकनेस हैं। और फिर ड्रैगन की वीकनेस क्या होती है, फेरी और आइस। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोनों का जो कुल मिला के सार निकलता है ड्रैगन और फेरी टाइप का वो होता है स्टील टाइप पोकेमॉन, क्योंकि कोई भी स्टील टाइप पोकेमॉन अल्टारिया की किसी भी मूव से, क्योंकि अल्टारिया के पास तीन टाइप के मूव होते हैं फ्लाइंग, ड्रैगन और फेरी, किसी से भी सुपर इफेक्टिव डैमेज नहीं लेते हैं। तो स्टील टाइप पोकेमॉन सबसे बेहतर होंगे, नहीं है तो एक थोड़े सस्ते टाइप के पोकेमॉन पॉइजन टाइप आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं फेरी टाइप पोकेमॉन, अभी तो फेरी टाइप बूस्टर चल रहे हैं, आपके पास गार्डिवॉयर्स होंगे, हो सकता है तो आप गैलेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया 5 जो कि स्टील टाइप पोकेमॉन होंगे, पहला होगा शैडो मेटाग्रॉस, दूसरा होगा नॉर्मल मेटाग्रॉस, फिर आएगा डियाल्गा, फिर आएगा आपका एक नॉर्मल सीजोर और होगा फिर शैडो सीजोर। अगर नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं जेनेसेक्ट, यूज़ कर सकते हैं आप, देखिएगा कि जेनेसेक्ट के पास मेडक्लॉ और मैग्नेट बॉम्बो, आप वो जो उसका भी जब लेगेसी मूव आया था बर्न ड्राइव वाला टेक्नो ब्लास्ट वो नहीं हो उसके पास, आप एक्सकाड्रिल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया पॉइजन टाइप पोकेमॉन मैं खुद अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा, असल में मैं पॉइजन टाइप रिकमेंड नहीं करूँगा, वो होंगे मेगा बीड्रिल, मेगा गेंगार, नॉर्मल गेंगार स्लज बॉम्ब के साथ फास्ट मूव चाहे कोई भी रखिए सकर पंच के अलावा, और रोजरेड जिसका पॉइजन जैब और स्लज बॉम्ब, और मक आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, मक आप यूज़ कर सकते हैं पॉइजन जैब और स्लज वेव के साथ। सबसे बढ़िया फेट है पोकेमॉन आपको मैं यही कमेंट करूँगा गार्डिवॉयर यूज़ कर सकते हैं आप, शैडो गार्डिवॉयर फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो गार्डिवॉयर गैलेड यूज़ कर सकते हैं चार्म के साथ आप, चार्म और लीव ब्लेड या कोई आपको मुझे अच्छे से मुझे पता नहीं गैलेड्स के क्या होते हैं, तो आप चार्म वाला गैलेड भी यूज़ कर सकते हैं फेट टाइप के काउंटर्स के लिए, उसका अटैक शेड भी काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। टोगेकिस आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रैंड बुल यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा कोई खास फेट टाइप पोकेमॉन होता नहीं है, तब भी कुछ नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं विग्लीटफ, आइस बीम और चार्म के साथ, क्या हो तो यूज़ कर सकते हो प्लेयर, क्योंकि उससे आपको सेम टाइप अटैक बोनस मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका आइस टाइप पोकेमॉन, आइस टाइप पोकेमॉन सबसे बढ़िया होगा शैडो मेमोसाइन, फिर होगा आइस बीम वाला शैडो म्यूटू, फास्ट मूव चाहे कुछ भी रख लीजिए, नॉर्मल मेमोसाइन, मेगा बामास्नो और गैलारियन डरमैनिटन। ओके, ये फिलहाल इसकी फिलहाल मैं यही कमेंट करूँगा कि सबसे बढ़िया जो टीम यूज़ कर सकते हैं मेगा अल्टारिया, मेरे हिसाब से आप डुओ नहीं करना चाहेंगे, अपना पास बर्बाद नहीं करना चाहेंगे,
अगर आपके पास 14 का पास पिछला यानी पिछला पास बचा हो उसको बचा के रख लीजिए, और फिर 15 का रेट पास हो उसके साथ भी दो रेट आप खेल सकते हैं। ओके, तो अगर आप किसी बढ़िया रेट में जाते हैं तो आप तीन रेट्स में, अगर आपको मैक्सिमम मिलती है 80 या 70, इस हिसाब से आप तीन चार रेट्स में अपनी पूरी की पूरी 2200 जो होती है मेक एनर्जी, जो पहले का मेगा यूआर क्यों चाहिए होती है, आप उसको ले सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप यूज़ कर, आपको तो जो यूज़ करना है आपको अपनी टीम में वो होंगे मेटाग्रॉस, गेंगार, मेगा या नॉर्मल गेंगार, बीड्रिल नॉर्मल नहीं सिर्फ मेगा बीड्रिल, शैडो मेमोस्वाइंस, गार्डीवायर्स और अबामासनोज। अगर आपके पास अबामासनो मेगा अबामासनो ना हो, मेगा अबामासनो मैं बात कर रहा हूँ, यूज़ कर सकते हैं आप शैडो म्यूटू आइस बीम के साथ और नॉर्मल मेमोस्वाइन या डियाल का, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास कुल मिला के कुछ भी नहीं है तो आपके पास शैडो रिजॉर्ट तो होगा ही ना, आप शैडो रिजॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा कि मेगा अल्टालिया काफ़ी अभी अच्छी हो सकती है किसी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन को रेड करने के लिए, क्योंकि वो सुपर इफेक्टिव नहीं लेगी। बाद में जब मेगा रिक्वाजा आएगा या कोई और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन मेगा सेलेबेंस आएंगे तो भैया फिर मेगा अल्टालिया जी की बाय बाय हो जाएगी। तो बस गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और टिप्स के लिए प्लीज़ हमको फॉलो कर लो प्लीज़, थैंक यू।